और भारत के आकांक्षी जनपदों में अन्य जनपदों की तुलना में श्रावस्ती जैसे छोटे जनपद ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं संभव अभियान में प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वो जिले के लिए गर्व की बात है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने बताया कि है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में श्रावस्ती पूरे प्रदेश में 64.5 अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में उत्तर प्रदेश में 46.0 अंक का स्कोर पाया है तथा माह सितंबर 2023 में सैम मैम बच्चों के पोषण प्रबंधन के संबंध में 4 माह तक चलने वाले संभव अभियान में इस जनपद ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पहली बार में इससे 5 ब्लॉक वाले जनपद ने 20-20 ब्लॉक वाले जनपदों से प्रतिस्पर्धा करके प्रथम एवं द्वितीय स्थान हासिल किया है। छात्मक जनपद होने के तौर पे हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा और महिला और बाल कल्याण को लेके विशेष फोकस रहता है। उसके तहत मैं बताना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में श्रावस्ती का रैंक पूरे प्रदेश में फर्स्ट रहा है। जहां प्रदेश का एवरेज 46 है, वहीं श्रावस्ती ने लगभग 64.5 नंबर प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो संभव अभियान है, जिसमें हमारे ICDS सेंटर्स किस गुणवत्ता की सर्विसेज दे रहे हैं उसका आकलन किया जाता है, उसमें भी श्रावस्ती लगातार फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे रहता है। इससे बच्चे सारे सुरक्षित हो रहे हैं। अगर एनीमिया से बच्चे ग्रसित होंगे तो उनको बहुत सी समस्याएं होती जाएंगी। बच्चों की जो आगे की समस्याएं बढ़ेंगी, जैसे वो उम्र बढ़ेगा वैसे कई समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। उस चीज़ को हम लोग अगर शुरुआत से ही रोकथाम लगा दें तो वैसे बच्चे आगे चल के कोई प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। इसी वजह से हम लोग जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और हम लोग उनको प्रॉपर तरीके से जिसकी ज़रूरत होने की ज़रूरत पे सहायिका, आंगनबाड़ी, सारे डॉक्टर सब लोग मिलकर के साथ में पूरा सहयोग दे रहे हैं। बच्चे सुरक्षित हो रहे हैं, बच्चों को कोई समस्याएं नहीं हो रही हैं।